गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बाप रे, बहुत ज्यादा मौसम ठंडा हुआ हुआ है। इतना ठंडा मौसम हुआ हुआ है कि मैं सोच रही हूँ मैं नहाऊँ कैसे। गर्म पानी में नहाने का मन है नहीं, और मौसम सच में बहुत ठंडा हुआ है। पूरे पर्दे पता है ये भीग गए थे, तो मैंने इनको उस तरफ डाल दिया ताकि ये थोड़ा सूख जाए। और तो ये देखो, तो अब जाके थोड़ी बारिश बंद हुई है, नहीं तो पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। तो अब देखो, अभी भी थोड़ी ड्रिजलिंग है, पता है, जबरदस्ती बारिश होती है यार यहाँ तो। कल तो मम्मी मुझे मेरी मदर बता रही थी कि उधर दिल्ली गाजियाबाद साइड भी बारिश हुई काफी अच्छी। तो जी बस उठ गए हैं हम ना, अभी तक तो कॉफी भी नहीं पी है, सिर्फ सफाई करी है। एकदम ना चकना चकना हो चुका है सारा कुछ। तो बस अब नहाने जा रही हूँ और फिर क्लास लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे चैनल पे रोज़ मैं आपको बता रही हूँ कि 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, और जो वीडियोस को देखते हैं उन्हें वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बैक टू बैक मीटिंग, ये CBSE बोर्ड्स की मीटिंग, भाई साहब पक गए हम तो। क्या करें, ज़रूरी है नई नई स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो तैयार बैठे हैं, 3 बजे शुरू होने वाली है। अभी क्लासेस ख़त्म हुई हैं और अब 3 बजे से लेके 4 बजे तक मीटिंग है, फिर एक और मीटिंग है। भगवान, खाना भी नहीं खाया आज तो। चलो भाई, ये ख़त्म करके असाइनमेंट मीटिंग्स करके फिर खाती हूँ। और थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो। बाप रे, ट्रेनिंग हो गई, अब मेरे को इतनी बुरी वाली नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। ठीक है, अभी इसने मुझे बोला है कि मैं आप बोलना मत बीच में, मैं इनको बोलूंगी कि मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। तो मैंने कुछ और कोई भाषा बोल दी या? नहीं, बट इसने मुझे ये मतलब इसने ये प्रिटेंड करने के लिए करी है। अभी ये सोएगी नहीं, इसको कुछ काम करना है इसलिए। नहीं, मैं सो यार, आप तो ना बहुत पता नहीं कि खत्म इंसान हो आप। हाँ नहीं मतलब ये कुछ और करेगी, लेकिन ये अभी क्या शूट नहीं कर सकती, तो इसने बहाना मारना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में सोने जा रही हूँ। ऑलरेडी देखो 4 बज चुके हैं, 4 4 के भी ज्यादा हो गए, बल्कि 5:15, 4:15। ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा इसका अगर ये हाँ सोएगी तो। ठीक है, मैं सो रही हूँ सच में। ठीक है ना, आप लोग भी थोड़ा देर आराम करो, दिन में सोने से ना सेहत अच्छी रहती है। कुछ लोग कहते हैं दिन में सोने से मोटे होते हैं, पर उस चीज पे मैं ध्यान नहीं देती। को बोला था ना कि ये नहीं सोएगी, और ये नहीं सो रही है। और ये मुझे दिखा क्या रही है पता है? दिखाता हूँ आपको, मतलब कई बार तो ना कुछ हरकतों पर तो हंसी भी नहीं आ पाती मुझे। क्या आती फिर आपको? फालतू दिखा। में यार दिमाग खराब, बेइज्जती करते रहते 24 घंटे। अभी दिखाता हूँ आपको क्या है। इधर है, वो निकाल के दे मेरे को। हाँ देखो, गाइस आप लोग देखो, ये पता क्या कह रही मेरे को, अगली बार ना ये वाला रेनकोट खरीदेंगे। दिख रहा है आपको? अरे कितना तो मस्त है, आप कहीं भी जा सकते हो, आप गाड़ी बन गई आपकी स्कूटी। ये देख रहे हैं आप, आपकी गाड़ी बन गई तो स्कूटी। तानी के गाइस, ये मुझे ऐसे सजेशन दे रही है ये कहने के बाद कि मैं सो रही हूँ। मैंने आपको बोला था नहीं सोएगी। आपको पता है रेनकोट भी आते हैं ऐसे ऐसे। देखो अब आप, ये अच्छा मुझे, अच्छा अब मैं सो रही हूँ बस। ओके, ये मुझे ऐसे ये चीजें दिखाती है, बताओ। अच्छा, इससे घूमने जा सकते हैं ना, बहाना नहीं होगा बारिश का। समझ आया? अब जाओ आप अपना काम करो, गप्पी और देखो आराम करने दो, फालतू तो बोलो मत। अरे जाओ ना यार, सर हद हो गई आपकी यार। बाप रे, पूरा 1.5 घंटा सोने के बाद में अब आँख खुली है। और देखो बाहर मौसम थोड़ा, ये पर्दे डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पर्दे 5 मिनट भी लेट हो गए ना मैं डालने में, तो सारे मच्छर घर के अंदर। तो बस डालती हूँ और कॉफ़ी बनाती हूँ। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसे, कि कभी आप सो लो और सो के उठने के बाद में आप और ज़्यादा मतलब थकान और सर दर्द सा महसूस हो?
मैं तो कॉफी बना के लाई हूँ अभी, देखो तो कॉफी ये रही और वो उधर क्या है, कुछ नहीं कर रही थी, सोई नहीं एक मिनट भी। आपको लग नहीं ला मेरी शक्ल देख के कि मैं सोई या नहीं सोई? पिक्चर देखी है ऐसी। मेरे सर में दर्द है, क्यों सबको झूठ बोल रहे हो आप? पिक्चर देखी है इसने पूरी, इसको मूवी देखनी थी इसलिए इसने आप लोगों को बोला मैं सो रही हूँ। नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, प्लीज समझना। कुछ शूट नहीं किया इसने आज। तो जो लोग ये कह रहे थे आज दिन में कि मैं उनको आज वो रेनकोट दिखा रही थी, वो आपको पता है क्यों दिखा रही थी रेनकोट? अब हमारे यहाँ वापस बारिश हो रही है पिछले 2 घंटे से, अब कौन बताए इनको ये देख। अरे बाबू सब भीग भी है और राम राम मेरे सब कुछ ब्लैक ब्लैक ब्लैक। अरे भाई तो अब प्लानिंग है चाय और ब्रेड पोहा बनाने की, और वो जो आपको सीटी की आवाज सुनाई दे रही होगी, पता है उस दिन मैं भुट्टा लेके आई थी तो फिर वो गैस खत्म हो गई अगले दिन, तो भुन नहीं पाया तो फिर वो थोड़ा सूख सूख सा गया। तो अब क्या हो रहा है, हाँ फेंक दो सब तोड़ दो। तो ये मैंने इसको बॉईल किया भुट्टे को, ठीक है। और ये देखो ये क्या है यार, आप लोग सच में खाने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये है ये देखो, कोई जो इंसान मुझे कहता है कि सारा दिन मैं खाती रहती हूँ, ये देखो ये मफिन्स का पूरा डब्बा खत्म होने वाला है। पूरा डब्बा का पूरे मफिन बचे हैं क्या? ये दिखा दो। अच्छा अच्छा दिखा लो, ये दिखाएगा है? और ये जो ये सारे ये खा गई है आटा, आटा के बिस्किट्स लाए थे तानी के गाइस, ये खाइए आप बहुत टेस्टी है, मैंने ऐसे बिस्किट्स कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये देखो 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 खत्म 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 खत्म। तो अब बन रहा है ब्रेड पोहा। पहले बनाने की तैयारी थी सिंपल पोहा, फिर ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने सोचा ब्रेड पोहा बना लूं, तो उसके लिए ब्रेड कट हो गई। डिफिकल्ट खाना वैसे बहुत मुश्किल से ना, और ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, मतलब इतना और कैसे बना लेती थी। और क्या करूं मैं बहुत मेहनती हूँ ना। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए कोई काम, अपने लिए कह रही है अपने लिए। और आपको पता है अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ कहीं घूमने जाने की। आई मम्मी, हाँ अभी ऐसे करेगी तू प्लानिंग कहीं घूमने जाने की? नहीं तुम छोड़ो यार। हाँ तो देखो वो सीटियाँ लगा रहा है कुकर मेरा और कह रहा है कि आइए मुझे बंद कर दीजिए। इसको बंद करती हूँ, मंदिर की पूजा हो गई, गेट खुले हुए हैं अभी तक भगवान जी के, बंद करती हूँ। चलो तो फिर पोहा बना के आपको। अरे एक भी नहीं देखी मैं, बैक टू बैक इसने 2 पिक्चरें देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ तानी के गाइस। ओहो गप्पी और मैं आज दोनों आराम कर रहे थे, आपको पता है तो करेंगे तो अगलों को बेचारे को मूर्ख बना के सो गए तुम इनको। जी नहीं हम कोई नहीं सोए, आपको पता है मैं आपसे हमेशा सच। और ये ऐसे अभी दांत से इशारा कर रही थी ना, ये इशारा नहीं करती काट भी लेती है। पता है जब मैं छोटी थी ना तो जब कॉलोनी वगैरह के जितने भी बच्चे होते थे तो मैं सबको काट जाती थी। चलो तो ठीक है, अरे माँ चलो बना के मिलती हूँ बिकॉज दिस मैन इज लाइक। और ये देखिए ये मेरा ब्रेड पोहा बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा लगता है ना लाइट स्नैक के तौर पे। तो ब्रेड कट करी हुई है, हरी मिर्ची है और क्या है इसके अंदर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च है, ठीक है। और राई के अंदर मैंने छोंक लगाया है और थोड़ा आधा कप मैं आधा चम्मच आधा कटोरी मैंने इसके अंदर दही डाला है, ठीक है जी। एक ये चीज तैयार हो गई, एक ये देखो ये भुट्टे उबल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सौंठ और लाल मिर्च और नमक और नींबू लगा दूंगी। और ये इधर हमारी प्रिय बरसात के मौसम का सबसे शानदार तोहफा वो है चाय। तो चाय बन चुकी है, तो बेसिकली 3 चीजें बनकर तैयार है। तो अब इनको अच्छे से सबको खिलाया जाए। ऑफ कोर्स मौसम में, अरे रे चाय के मौसम में नहीं बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में एक मिनट लाइट जल गई, पोहा और चाय। सर आपको कैसा लगता है मतलब आपको इतना वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलता है? लाइट जला दी मच्छर आ जाएंगे।
पहले इसकी बात करो ना। किसकी बात करो? आपको मतलब कैसा लगता है, मतलब आप कितने, आपको सब मतलब भगवान को धन्यवाद नहीं दोगे आप? मैं तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना खतरनाक गजब का बनाया आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना है घर पर बहुत जबरदस्त है। चलो ठीक है, सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अब सिर्फ एक और एक मात्र इलाज है कि तेल की मालिश हो सर में। तो अब प्रिय प्रेम प्रेम पूर्वक मैजिकल हैंड से होगी तेल मालिश। क्या कर रहे हो लाइट, ये क्या हो गया? अरे अरे क्यों बंद कर दी लाइट? चल ही नहीं रही, इसको बंद करके। क्या नहीं चल रही? ट्यूबलाइट जलनी चाहिए ना। जनरेटर चल रहा है नीचे। अरे तुम क्या कर रहे हो यार, ये कैसे आई फिर जनरेटर? हाँ तो अभी, हाँ अभी आ गई ना, कोई बात नहीं, आप पहले कर दो। तो ये मेरे को बता, ये लाइट कैसे चलती है? हे भगवान, इनको 3 महीने हो गए इस घर में रहते हुए, इनको ये नहीं पता लाइट कैसे चलती है। हाँ तो आ जाएगी ना, मेरे मेरे को कर दो यार, आप सिर में, मैं बैठी हुई हूँ तब से। इतना इम्पोर्टेंट मामला है घर में, लाइट का मामला है, इसको सर की चंपी की पड़ रही है। हाँ ऑफ कोर्स, चलो जल्दी करावाती हाथ आर। अब गई अब आएगी। हाँ हाँ हाँ, डिस्को डांसर, डिस्को डांसर। जी आप इन दोनों की बातें सुनो। ओके ऑफ करा माँ, पर प्रॉब्लम ये कि लाइट नहीं आता उससे। नहीं आ रहा करंट, अभी जो जो लाइट जनरेटर से जलता ना वो लाइट नहीं जल रहा अभी। अच्छा एक बार दोबारा करके देखो जरा, ऑन ऑफ करके कुछ ट्राई करो एक बार। नहीं वो तो ठीक है, करंट आ गया है, पर बात ये है कि ये दो राज्यों का संवाद चलता हुआ, एक राजस्थानी और वो हैदराबादी, वो अम्मा अम्मा बोलता, इसको समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी टैलेंट देखो लड़की का, ये पूरी बात करेगी इससे। देखो आप लड़की का टैलेंट देखो, जनरेटर बंद किया तो लाइट नहीं आ रहा। ऊपर आओ एक बार, वो कुछ भी बोले जा रही है, उसका अपना चल रहा है, इसका अपना ही चल रहा है, भाई का जब दोनों में टैलेंट है पूरा, कतई ही टैलेंट लेके पैदा हुए हैं दोनों। अच्छा देखो एक बार करो एक बार, नहीं तो फिर ऊपर भेजो अंकल को, ऊपर ऊपर। हाँ ये तुमने किया है सब कुछ, तुम्हें उसमें क्या जरूरत पड़ी थी वो खट 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 बटन दबाने की? मैंने क्या किया? जब वो ये वाला जो बटन है ना तानी के गाइस, ये हमारे, ये हमारा जनरेटर का बटन है तानी के गाइस, पर जब लाइट आ गई तब मैंने इसको ऑफ किया जो कि हमें करना तो चाहिए। जनरेटर बंद नहीं हुआ था मिस्टर, इंजीनियर नहीं बनना है ऐसे। जनरेटर बंद नहीं हुआ था मतलब? जब तक जनरेटर बंद नहीं हुआ था, जब तक जनरेटर बंद नहीं होता है तब तक वो बटन नहीं दबाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा है नहीं, मेरे को घर मेरे को यूज ही नहीं करना जनरेटर। अरे यार तुमने यार घूमा चो यार, अबे सच में अब कौन समझाएगा? ये वो कह रहा है कि पिछली बार, ये वो लड़की कह रही है तानी के गाइस आप सुनिए, अरे क्या है? जो पिछली बार बिल आने पे मुझे बोला था कि इसमें इन्होंने जनरेटर का पैसा तो ऐड नहीं कर दिया है, ये वो लड़की कह रही है। माय गॉड तुमने तो सच में ना मेरे को डम, ये कैसे कर लेती हो ऐसी बातें? तुम बचपन से कर लेती हूं ऐसी बातें नो। चलो अब ये क्या चंपी चुंपी का क्या आइडिया है तुम्हारा? अरे मेरे को सर में दर्द था तो सोचा आप लगा दोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा, तो लगा दूंगा ना मैं सर मेयर को। हाँ तो फिर अब क्या करें, लाइट तो आ नहीं रही, देखते हैं यार। चलो ठीक है फिर, ओके। बड़ी मुश्किल के बाद लाइट आई है और अब देखो 12:15 बज रहे, तो अब बस फटाफट से व्लॉग एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एडिटिंग ख़त्म करती हूँ। इतनी टेंशन हो गई, तो पहले सर में दर्द हो रहा था और डबल हो गया अब तो चंपी तो गई बस ऐसे फटाफट से, ऑयल लगा लिया, कोई चंपी नहीं कराई। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज, मैक्सिमम कॉमेंट्स, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।